किन मुद्दों को लेकर आप अखिल अरोड़ा जी से और हेमंत गेरा जी से मिले हैं और उनको उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, जो समझौता हुआ था दिसंबर में उसको आज 5 महीने से ऊपर होने को आ रहे हैं और उसमें केवल MBC के जो MBBS की जो फी में रिडक्शन था उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ना तो अभी तक बैकलॉग हो पाया है, ना अभी तक 233, ना 372, ना प्रक्रियाधीन भर्तियाँ और ना 1252 की जो नौकरियाँ जो स्थायीकरण करना था, ये सब हो नहीं पाए हैं। इन सब को लेकर के हम लोग मिले, लेकिन अफसोस इस बात का है कि गाड़ी कुछ आगे बढ़ती नहीं दिख रही। केवल बैकलॉग के ऊपर ये आश्वासन मिला है कि महीने डेढ़ महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए कैबिनेट अप्रूवल के बाद। तो मैं तो यही केवल ये मेरा तो प्रश्न ये है कि 5 महीने हो गए, कब होगा? और जैसे शहीद दिवस अब करीब भी आ रहा है तो ऐसे में चूँकि पूरे वर्ग की एक मांग है तो उसको किस तरह से आप लेंगे या क्या आंदोलन आगे? जो भी बातें हम कर रहे हैं, जो भी मांगे हमने जब राहुल गांधी जी की यात्रा का विरोध किया था, वो बात हुई थी, तो बात विजय बेंसला के इंडिविजुअल कोई चीज़ नहीं थी। ये युवाओं के भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है, उसको लेकर के ये बात। और जब अभी शुरू हो जाएंगे हमारे शहीद दिवस, वहाँ पर जवाब तो देना पड़ेगा, समाज जवाब मांगेगा, हम देंगे, और जवाब कितना सार्थक दे पाएंगे ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर सरकार देती है जवाब सार्थक तो ही तो हम दे पाएंगे। और वहाँ जो भी निर्णय होगा फिर वो उसी हिसाब से आंदोलन। हाँ, आंदोलन की जरूरत है ना जरूरत नहीं है ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन हम लोग उस नौबत तक जा क्यों रहे हैं? क्यों हम जबरदस्ती आंदोलन की बात करते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि भैया कर तो दो। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, जिस तरह से महंगाई हटाने के जो ये कैंप लग रहे हैं ना, ऐसे समझौते निवारण के भी 2-4 कैंप लगवा दो। समझौते पे समझौते करते जा रहे हैं, समझौते पे समझौते का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा, तो एक समझौता निवारण कैंप भी लगाने की स्थिति में हम आने वाले हैं लगता है।